वंदे मातरम साथियों, मैं मनीष गुप्ता अंग्रेजी सीखी अर्थपूर्ण ईडियम्स के साथ के 226वें अंक की कर रहा हूँ शुरुआत। आज मैं जिन दो ईडियम्स की चर्चा करूंगा वो इस प्रकार हैं। नंबर वन, टाइम हैंग्स हैवी ऑन वंस हैंड्स। नंबर टू, टाइम आफ्टर टाइम। दोस्तों पहले ईडियम की चर्चा कर लेते हैं। टाइम हैंग्स हैवी ऑन वंस हैंड्स, स्पेल आउट कर देता हूँ, TIME टाइम, HANGS हैंग्स, HEAVY हैवी, ON ऑन, ONE once, HANDS hands। दोस्तों टाइम हैंग्स हैवी ऑन वंस हैंड्स का अर्थ होता है समय का धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे व्यतीत होना, कठिनाई से व्यतीत होना। दोस्तों टाइम हैंग्स हैवी ऑन वंस हैंड्स के सिनोनिम पर्यायवाची मुहावरे हैं। नंबर वन, टाइम लाइज हैवी ऑन वंस हैंड्स, LIES लाइज। नंबर टू, टाइम हैंग्स हैवी। नंबर थ्री, टाइम लाइज हैवी। दोस्तों एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। पहले अंग्रेजी में एग्जाम्पल दूंगा, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। एग्जाम्पल नंबर वन, व्हेनेवर आई लिसन टू हिज स्पीच टाइम हैंग्स हैवी ऑन माई हैंड्स। जब भी मैं उनका भाषण सुनता हूं मेरा समय धीरे धीरे कठिनाई से व्यतीत होता है। नंबर टू, ड्यूरिंग द समर सीजन इन द आफ्टरनून टाइम लाइज हैवी ऑन आवर हैंड्स। गर्मी के मौसम के दौरान दोपहर में हमारा समय बहुत धीरे धीरे व्यतीत होता है। नंबर थ्री, टाइम हैंग्स हैवी ऑन ऑल ऑफ अस व्हेन वी आर नॉट टुगेदर। जब हम लोग एक साथ नहीं होते हैं तब हमारा समय बहुत कठिनाई से व्यतीत होता है। नंबर फोर, टाइम लाइज हैवी इन प्रिजन, जेल में, कैद में समय बहुत धीरे धीरे मुश्किल से व्यतीत होता है। दोस्तों अब दूसरे ईडीएम की चर्चा कर लेते हैं। टाइम आफ्टर टाइम, स्पेल आउट कर देता हूँ, TIME टाइम, AFTER आफ्टर, TIME टाइम। दोस्तों टाइम आफ्टर टाइम का अर्थ होता है बार बार। फ्रेंड्स टाइम आफ्टर टाइम के सिनोनिम पर्यायवाची मुहावरे हैं। नंबर वन, ओवर एंड ओवर, स्पेल आउट कर देता हूँ, OVER ओवर, AND OVER ओवर। नंबर टू, अगेन एंड अगेन। नंबर थ्री, ओवर एंड ओवर अगेन, AGAIN अगेन। नंबर फोर, टाइम एंड अगेन। नंबर फाइव, टाइम एंड टाइम अगेन। दोस्तों इन पांच सिनोनिम्स में से शुरू के तीन सिनोनिम्स ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन, इन तीनों को मैं ईडियम्स पार्ट 143 में विस्तार से एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसलिए अभी मैं टाइम आफ्टर टाइम, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड टाइम अगेन मुहावरों को विद एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करूंगा। पहले अंग्रेजी में एग्जाम्पल दूंगा, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। एग्जाम्पल नंबर वन, यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक टाइम आफ्टर टाइम, प्लीज डू योर वर्क केयरफुली। आप एक ही गलती बार बार कर रहे हैं, कृपया कर आप अपना कार्य सावधानी से कीजिए। नंबर टू, वाई डू यू ट्रस्ट हिम When he lies to you time after time, जब वो बार बार आपको झूठ बोलते हैं तो आप उन पर विश्वास क्यों करते हैं। नंबर थ्री, टाइम एंड अगेन ही रेजेस हिज वॉइस अगेंस्ट कास्टिज्म, बार बार जातिवाद के विरुद्ध वो अपनी आवाज उठाते हैं। नंबर फोर, आई वुड लाइक टू हेल्प यू टाइम एंड टाइम अगेन, बार बार मैं आपकी सहायता करना पसंद करूंगा। दोस्तों आपको आज का कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। अंत में यही कहूंगा, अंग्रेजी या अन्य कोई भी भाषा सीखे, सीखनी चाहिए, लेकिन यदि नहीं सीख पाते हैं तो कोई शर्म रजेजक की बात नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा एवं राजभाषा हिंदी सभी को अवश्य सीखनी ही चाहिए, क्योंकि स्वर्गीय भारतेंदु हरीश चंद्र जी ने अपनी अमर पंक्तियों में कहा है, निज भाषा उन्नति अहस उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न है को शूल। दोस्तों अगले अंक की प्रतीक्षा कीजिए, अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद, भारत माता की जय।